नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आस पास के पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो के एक नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो एक शिक्षिका के पर्वतारोहण के स्मरण पर आधारित है, जिसमें बड़े ही रोचक ढंग से घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो इसकी नवीनता यह है कि इसमें पाठ से की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझा जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु पहाड़ों पर चढ़ने में प्रयोग होने वाले यंत्र और वस्तुओं तथा ऊंचाई पर चढ़ने की जानकारी को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक पाठ डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो की एक तालिका छात्र संख्या के आधार पर तैयार करते हैं। उन्हें अध्ययन एवं इसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में के इस नवाचार में के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से पहाड़ों पर चढ़ने में प्रयोग होने वाले यंत्र व ऊंचाई पर चढ़ने के नियम की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या भी की गई हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी होते हैं, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से या मोबाइल इंटरनेट की सहायता से बिछेंद्री पाल के बारे में लिख कर लाएंगे। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका को भरकर ले जाएंगे। इस तालिका में छात्र का नाम, बिछेंद्री पाल के बारे में 10 पंक्तियां लिखी होती हैं। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। सभी छात्र अपने अपने अभिभावकों को सावधानी पूर्वक इसे ले जाकर देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर पाठ को दोहराया जाएगा। छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका चार्ट भरकर स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर सुनाते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो का पुनः अध्ययन कार्यक्रम गृह कार्य के माध्यम से आसानी से करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे वर्तमान और अतीत में हमारी आदतों प्रथाओं और में आए परिवर्तन से अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करके बातचीत करना तथा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभव द्वारा व्यक्त करते हैं। तकनीक में आए परिवर्तन सिक्कों पेंटिंग्स स्मारक संग्रहालय के माध्यम से अभिव्यक्त करके अपनी भाषा को बोलने की समझ विकसित करते हैं। गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा गतिविधि से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों में जिम्मेदारी का भाव सुनिश्चित होता है, साथ ही भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। सबको समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। इस नवाचार में छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के जीवन मूल्य का विकास होता है। शिक्षक पाठ डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक के से को समझते हैं और इस नवाचार के माध्यम से कहा जा सकता है कि यह एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।